You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. साहब खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आरिफा मुजफ्फर आपके साथ टोरंटो से हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जनाब रऊफ हसन साहब से, जो सेक्रेटरी PTI हैं। मेरा ख्याल है कि आप से एवरीडे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो, लॉयर्स की मुलाकात हो, तो आपके नोटिस में लम्हा बलम्हा तमाम इंफॉर्मेशन हुआ करती है। और मैं आप तमाम को एक बात कहती हूँ कि बाज़ औक़ात हम आप सोशल मीडिया पे ये जो बाज़ न्यूज़ आ जाती हैं उन पे बिलीव करने की बजाय आई रिक्वेस्टेड जनाब रऊफ साहब कि आप हमारे साथ डायरेक्टली शेयर करें कि क्या आगे लोगों के लिए क्या लाया अमल है या क्या सूरत हाल है। बहरहाल जनाब रऊफ हसन साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं द न्यूज़ में, उनका भी एक आर्टिकल पिछले दिनों आया है, केज जस्टिस एंड नम्ड ब्रेन्स। वाकई दिन दिमागों को माउफ किया हुआ है और कानून जो है वो खुद मोटी मोटी लोहे की जो सलाखों के पीछे हमारा कानून बंद है उसी हवाले से। मगर साहब आई डोंट नो दुनिया क्यों इस बात को महसूस नहीं कर रही, वो डार्क एजेस थी जिसमें जो खबर दी जाती थी उस पर यकीन हो जाता था। आज के दौर में हर इंसान के पास कैमरा है, हर इंसान के पास डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज़ हासिल करने के तरीका है कार है। और इस पूरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने मकासद के हसूल के लिए फेक न्यूज़ भी पोस्ट कर रहे होते हैं। ये चीज़ें कौम में इबहाम पैदा करती हैं। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है मगर मेरे मुल्क में जब मैं सलेबियों का जिक्र करती हूँ तो उन्होंने औरत को ढाल बनाया, चीज़ों को, इंसानों की ज़िंदगियों को ढाल बना के अपने मकासद का हसूल किया। बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस उन लोगों के लिए जो कलमा गो है। मगर मुझे यहाँ से एक प्रोग्राम याद आता है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, आई रिमेंबर आई वाज देयर, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ थे। एक यंग बॉय ने स्पीच की थी कि चिड़ियाँ आती हैं दाना डालती हैं, और उसमें था कि मारने वाला भी कलमा गो है और मरने वाला भी कलमा गो है। आज मुझे दहशतगर्दों की बात को तो मैं करती नहीं हूँ मगर वो लोग जो जिनके हाथ में ताकत है वो अपनी ताकत के हसूल के लिए, अपनी पोजीशन के हसूल के लिए, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कलमा गो के ऊपर जिस तरह से तलवार तान के खड़ा हुआ है, ये इबहाम इन द लॉन्ग रन मुल्क के लिए बहुत डेंजरस होगा। बहरहाल जनाब रऊफ हसन साहब मेरे साथ हैं, आप लिखते हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हम रिवॉल्व करेंगे उन्हीं की एक आर्टिकल है, केज्ड जस्टिस एंड नम्ड ब्रेन्स। दुनिया में 139th नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया का निज़ाम आ रहा है मगर हम समझ नहीं पा रहे कि इसमें हमारी कितनी सुबकी है, हमारी कितनी इंसल्ट है। मैं बल्कि प्रोग्राम की इब्तदा ज़ाहिर उन्हीं से करूँगी मगर एक पोएम फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा, उसी कलाम से मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ कि निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले जिस्म जहाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशात के संगो खश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किस से मुनसफी चाहें, मगर गुजरने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फराक में यूँ सुबह शाम करते हैं, दिन ऐसे ही गुजरते चले जाएंगे मगर तारीख अपने आप को रकम करेगी ज़रूर। आज जो कुछ हो रहा है आज के 10 साल के बाद आप इसको किताबों में भी पढ़ेंगे और फिर एक और बार लोग सोचेंगे क्या सच था और क्या झूठ। मगर जिन लोगों के हाथ में हर चीज़ है वो क्यों इस चीज़ को एहसास नहीं करते। पाकिस्तान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है
और आज से 10 साल के बाद ये जो आज की यूथ है जब इन फैक्ट्स को पढ़ेगी उन किताबों में, तो आप इमेजिन कीजिएगा कि फिर उनकी क्या कैफियत होगी, उनका रिएक्शन क्या होगा। मैं आगे लेकर के चलती हूँ जनाब रऊफ हसन साहब, उन्हीं से ज्यादा सुनना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरिफा, कैसी हैं आप? ठीक है, ऑलवेज इन वेरी प्लेजेंट टू सी यू। आपका एक आर्टिकल है और आज के इस आर्टिकल में इन योर प्रोग्राम ऑलवेज सर केज जस्टिस और नम्ब ब्रेन्स के बारे में जो आपने लिखा है, इसका लास्ट बड़ा खूबसूरत है। मेरा दिल चाहता है कि इस वक्त की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, और खान साहब से यकीनन आपकी मुलाकात भी हुई होगी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो NRO मांग रहे हैं, तो मैं आप ही की जुबानी ज्यादा सुनना चाहूंगी अब इसके बाद। आई डोंट नो वो कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि खान साहब NRO मांगेंगे। ये लोग जानते नहीं है इस शख्स को जो इस वक्त पाबंद सलासल है। वो कट जाएगा लेकिन वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कभी भी, किसी सूरत में भी, अंडर एनी काइंड ऑफ ड्यूरस, एनी शेड ऑफ ड्यूरस। यू नो ही इज नॉट अ पर्सन हु इज गोइंग टू आइदर ब्रेक डाउन और गोइंग टू आस्क फॉर एनी कंफर्ट। बिल्कुल नहीं आरिफा बीबी, मैं आपको ये यकीन मोहकम के साथ बता सकता हूँ कि ये वो शख्स ही नहीं है। मैंने इसी आर्टिकल में एक बीच में लिखा भी है और वो इम्पॉर्टेंट है इसका एक्चुअली, कि पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान जो है ना, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को रीराइट कर रहा है, और ये जो दोबारा से लिखी हुई तारीख होगी ये तारीख की किताबों में पढ़ाई जाएगी कि इस शख्स ने 75-76 साल के ऊपर मुहित जो एक तरीका एक कार बना हुआ था अशराफिया का, उसको खत्म कर दिया है और आज उसका कोई पैरोकार नहीं है सवाए वो लोग जो अभी तक इन्हीं लोगों के शिकंजे में किसी एक वजह से या दूसरी वजह से जकड़े हुए हैं। अब कोई खान साहब जो ट्रेडिशन थी कि आप हुकूमत से निकाले गए तो आपने हाथ जोड़ा, पांव पकड़े और कहा जी के मुझे बाहर भेज दीजिए, आप बाहर चले जाते थे और उसके बाद आप अपनी पॉलिटिकल ट्रिकरी को दोबारा शुरू कर देते थे कि जी किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। सो साल दो साल लगता था आपको माफ़िया मांगने में, पांव पकड़ने में, और उसके बाद फिर आप माफ़ी मिलने के बाद वापस आ जाते थे और मसनद इकतदार के ऊपर विराजमान हो जाते थे। फिर 2-3 साल के बाद आपको पंजाबी में कहते हैं ठुड्डे बढ़ते थे और फिर वही रस्म शुरू हो जाती थी, बाहर चले जाते थे, हराम का कमाया हुआ पैसा था उससे खरीदी हुई प्रॉपर्टीज जो है और उससे खरीदी हुई दौलतों को एंजॉय करते थे और माफिया मांगना शुरू किया। तो ये एक ट्रेडिशन बनी हुई थी, ये ट्रेडिशन खान साहब ने खत्म कर दी है। आज वो 3 महीने हो गए हैं, उनको पाबंद सलासल हैं, क्या क्या प्रेशर उनके ऊपर नहीं डाला गया कि आप जहाँ चाहें आपको भेज सकते हैं, आप चले जाइए, आपको आपके तमाम जो आपके ऊपर मुकदमे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, आप जाइए आराम कीजिए और उसके बाद यू नो वक्त आएगा कि आप दोबारा इकतदार में आ जाएंगे। और इसके अलावा और बहुत कुछ है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन उनका एक ही जवाब है कि मैं यहाँ इस मुल्क में पैदा हुआ था, यहाँ ही मैं बड़ा हुआ हूँ, यही मेरा मुल्क है, मेरी कहीं जायदाद नहीं, मैंने कहीं हराम का पैसा कमा के बाहर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ और मैंने यहीं रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना, आपने जो करना है कर लीजिए। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, पॉलिटिकल जो आपकी तारीख है, ये दोबारा लिख रहा है ये एक शख्स अकेला। और आज रियासत का तमाम जबर वो अनलीश किया हुआ है उसने। आज भी उसको अदालत में पेश किया गया तो एक पिंजरे नुमा कंकॉक्शन और कंट्रैप्शन जो है उसमें खड़ा करके, लेकिन मैंने लिखा है इसी आर्टिकल में लिखा है कि जितना ये उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं उतना ही ये अपना स्टेचर डिमिनिश करते हैं, ये उतना ही इनको इनके ऊपर इनका जो रुतबा है, मकाम है, जो वो ख़त्म होता जा रहा है। तो जो वैसे तो इनके जो हथकंडे हैं उसके उनको उसकी वजह से ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि खान साहब को लोग भूल जाएंगे, खान साहब हिस्ट्री हो जाएंगे, ये अल्फाज थे जो कहे गए थे कि यू नो वंस ही इज आउट ऑफ पावर ही विल बी हिस्ट्री, लेकिन ही हैज बाउंस्ड बैक आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर। और आज खान साहब एक ऐसी फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल हकीकत है इस मुल्क की जो कि जिनको कि आप जुटला ही नहीं सकते, कोई बंदा जो है इवन आवर वर्स्ट एडवर्सरीज वो भी नहीं जुटला सकते कि हाँ खान साहब ही इस मुल्क की सबसे
सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल हकीकत है इस वक्त। मैं एक बात और करना चाहूंगा आरिफा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब खान साहब जवान थे तो उनके साथ लोग थे जो उनको उनके पैरोकार बने थे, वो जवान थे, मतलब टीनेजर्स थे और बड़े थे, ये 20s में थे, 30s में थे, वो उनके पैरोकार बने थे। आज खान साहब के पीछे जो लोग हैं वो इनके अलावा वो लोग हैं जो कि जब पैदा हुए तो खान का चर्चा था, उनके कानों में खान की आवाजें गूंजती थी, और आज वो लोग जो हैं वो उनका जो पैशन है वो बड़े हुए हैं, वो टीनेजर्स हैं, वो मे बी अर्ली 20s में हैं, वो लोग जो कि खान के कैरिश्मा के जमाने में पैदा हुए हैं, और उनका पैशन, उनकी कमिटमेंट जो है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तो ये खान को जितना दबाएंगे, जितना रियासत का जबर उसके ऊपर मुसल्लत करेंगे, खान उतना ही ज्यादा ताकत के साथ बाउंस बैक कर रहा है और करेगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, और इस हकीकत को आप जुटला नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये आर्टिकल ज़रूर देखिएगा। इसका वही 10वां पैराग्राफ है कि वो कहते हैं कि कन्फेशंस लोगों से ज़बरदस्ती कराए जाते हैं। अब आप ये बताइएगा कि आज 21st century में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस रूज पे पहुंच गई है कि आप एक सच और झूठ बोलने वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज से चोर को पकड़ सकते हैं, आप कत्ल करने वाले को पकड़ सकते हैं, और जब आप ये कन्फेशंस देख रहे हैं तो लोगों में ज़्यादा अनरेस्ट पैदा हो रहा है और खान के साथ मोहब्बत, क्या खान साहब को इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि बाहर क्या हो रहा है और कौन कौन उनके बाहर ज़बरदस्ती कन्फेस कर रहा है कि जी 9 मई का वाकया उन्होंने करवाया था, क्या उनका रिएक्शन है इस पर? उनको सब कुछ बताया जाता है जी। जो हमारे वकला हजरात हैं, जब वो वंस ए वीक उनको मिलते हैं, और उनकी बेगम साहिबा जब मिलती हैं वंस ए वीक, तो ये उनकी वसातत से उन तक पहुंचता है और उनको इन तमाम चीज़ों की आगाही है, और वो आज भी उतने ही वेल इन्फॉर्म्ड हैं जितने कि वो पाबंद सलासल होने से पहले थे। बिल्कुल पहुँचता है, और बहुत सों के बारे में जब वो अभी जेल में उनको अरेस्ट नहीं किया गया हुआ था तो उस वक्त भी वो कहते थे कि ये जो लोग हैं जिन्होंने जंप किया है, आई यूज टू कॉल देम रैट्स हु जंप द शिप ओनली टू जंप इनटू देयर यू नो टू देयर डेथ। उनको पता नहीं होता ना, लेकिन वो एक जब शिप जो है वो डगमगाने लग पड़ता है तो वो कहते हैं ओ जान बचाइए, भागते हैं हम, तो वो भागते हैं जब नीचे, तो नीचे पानी होता है और उसमें डूब जाते हैं। सो दे आर द रैट्स बेसिकली। और ये मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था कि जी ठीक है, मेल्टडाउन तो है, लेकिन इट्स अ क्लेंसिंग प्रोसेस बेसिकली। आज जो पार्टी है वो क्लेंस हो गई है इन रैट्स से, इन जो आधे अंदर और आधे बाहर होते हैं, ये जो ना इधर के ना उधर के, ये सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी में किसी स्टेज के ऊपर आ गए थे, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू कर रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में कर रहा है। इसकी जो लेटेस्ट जो फॉर्म है वो है कि जी एक शख्स जो है वो गायब हो जाता है, और उसके बाद वो 15-20-25-30 दिन के बाद वो नमूदार होता है और एक कन्फेशन करता है कि जी खान साहब ने ये किया, खान साहब ने वो बुरा किया, और ये कि जी मैं तो उनको वॉर्न करता था लेकिन वो बात नहीं सुनते थे, दिस एंड दैट। सो वो जाता है, और उसके बाद उसके तमाम दाग जो हैं, तमाम धब्बे जो हैं, तमाम गुनाह जो हैं, वो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद उठ जाते हैं। उसके बाद वो आज़ाद करता है, और उससे पहले जो उसके साथ होता है उसका आप भी अंदाजा कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूं। सो ये एक नया एक पैटर्न है जो कि डेवलप हुआ है, क्योंकि 3 महीने के बाद, 9 मई के 4 महीने गुजरने के बाद तकरीबन, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा, तो अदालतों ने नोटिस देना शुरू कर दिया था। इसलिए जो इसके जो कार फरमा है, जो ये करते हैं, वो अब नहीं चाहते कि जी हमारा जो हमारे जो 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 हमारे एक्शंस हैं वो अदालत में पहुंचे और अदालत उनके ऊपर बेल्स इनको प्रोवाइड करे और ये सब कुछ करे। कंसिक्वेंटली उन्होंने ये नया मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जी बंदा गायब हो जाता है और बंदा रीअपेयर होता है 15 दिन 20-30 महीने के बाद, और वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट कर देता है। जहां तक अदालतों का सवाल है, आप देखिए कि आज 5.5 महीने हो गए हैं, हमारी बच्चियां जो हैं वो जेल में हैं, उसके अलावा हमारे जो यास्मीन साहिबा हैं वो जेल में हैं, महमूद रशीद साहब हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि तकरीबन 5-5.5 महीने से जेल में हैं। 5-5.5 महीने में अभी तक उनके चालान तक पेश नहीं किए गए, क्योंकि जब चालान आप पेश कर देते हैं फिर आपको
प्रोसेस को इनिशिएट करना होता है, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ मौजूद ही नहीं है, कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। कंसिक्वेंटली 5.5 महीने से उनको तो जेल में रखा हुआ है, लेकिन अब चालान पेश नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने उसके ऊपर अपना जो एक बुलेटिन है वो भी निकाला है कि कुछ तो खुदा का खौफ किया जाए कि जी कानून तो गायब है, जुडिशरी तो गायब है, सब कुछ गायब है यहाँ इस मुल्क में। कोई हर चीज जो है इस वक्त कैप्टिव होकर रह गई है, वो साहिब इक्तदार लोगों के शिकंजे में कसी हुई है। पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आती है। कहा जाता है कि जी उनकी बहुत सारी फाइलें हैं जो मौजूद हैं, कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी ऑडियोस मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। इस किस्म की जो है आजकल पाकिस्तान की जो ग्रेप वाइन है वो राइप है इस किस्म की गुफ्तगू से। सो, आप जिस तरीके से भी इस सारी सिचुएशन को देखें, इंसान को शर्म आती है कि आज 2023 में एक सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क में ये तमाम जो चीजें हैं इनको रवा रखा जा रहा है, और इंसान की आजादी जो है वो एक किस्साए पारीना लगती है, इंसान के हकूक जो हैं वो किस्साए पारीना लगते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ आजादी मिलने की बजाय उनको और ज्यादा शिकंजों में जकड़ा जा रहा है, और ज्यादा मफकूत किया जा रहा है। सो ये एक हमारी एक जो यहाँ सिमत है वो रिवर्स है बाकी दुनिया की सिमत से। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जो मेरा यकीन जो है वो ये कहता है कि ये लास्ट नहीं कर सकता, वो जितना मर्जी कर ले शिकंजों को, लेकिन ये शिकंजे जो है ये टूटेंगे, ये जंजीरें टूटेंगी और लोग बोलेंगे। इसीलिए आज तक इलेक्शन नहीं करवाए रहे, और अभी भी इलेक्शंस का होना जो है वो कम से कम जहां तक मेरा सवाल है, मैं फील करता हूँ कि अभी भी कोई सर्टिनिटी नहीं है कि इलेक्शन उस वक्त तक होंगे जब तक कि इनको यकीन है कामिल नहीं हो जाता कि अब खान जो है वो हिस्ट्री है, पोलिटिकल हिस्ट्री है। तो वो मुझे होती नजर नहीं आ रही है, ना वो पोलिटिकली इलेमिनेट हुआ है, न्यूट्रलाइज हुआ है इस मुल्क से, और ना ही उसने इस मुल्क को छोड़ के जाना है। सो वो एक ऐसी हकीकत है जो वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, ज्यादा विजिबल है। कंसिक्वेंटली जो इलेक्शंस का प्रोस्पेक्ट है, अनलेस ऑफ कोर्स बिल्कुल ही झरलू इलेक्शन ये करवाएं, वो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो एक बहुत बड़ा फसाद बनेगा, नेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत बड़ा फसाद करेगा। सो इलेक्शंस का होना अभी तक मुझे मुझे नहीं यकीन कि जी इलेक्शंस इनकी सो कॉल्ड अनाउंस डेट, जो डेट तो नहीं है, अनाउंस वीक जो है जनवरी का आखिरी हफ्ता, उसमें हो जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ हो रहा है जो कानून के दायरे से बाहर है, बियॉन्ड द पेल ऑफ लॉ है, जो बियॉन्ड द पेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बियॉन्ड द पेल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जो के जिससे ये मुल्क चलता है, वो सब कुछ हो रहा है और ब्लेटेंटली हो रहा है। वो बांगे दुहल कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, हमारे ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता, हमारे ऊपर कुछ लागू नहीं होते हैं, हम वी आर द लॉ ऑन टू आवर सेल्फ, हम खुद डिक्टेट करेंगे कि क्या लॉ है, हम बताएंगे आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो ये तो वो जमाना है कारीना के, क्या होता था, शायद आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बेसिकली उसकी याद दिलाता है, वो इंटीक्विटी की याद दिलाता है, हमें उस तरह स्टोन एज की तरफ वापस लेके जा रहे हैं। ये तो दुनिया तो आगे बढ़ रही है और हम जो है वो वापसी का सफर हमने हमने शुरू किया हुआ है। सर पॉसिबल ही नहीं है, मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में भी यही कहा था कि आप स्टोन एज की बात करते हैं, आज दिस इज 21st सेंचुरी और इसमें आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली मुलाकात होती होगी बाज़ आला हुकाम से भी, क्या आप ये तस्वीर उनको दिखाते हैं? डोंट दे रियलाइज कि व्हाट एज दे आर गोइंग इन, दिस इज 21st सेंचुरी। क्या इनको एहसास नहीं है इस बात का कि इस नौजवान नस्ल को तो बड़ी खौफनाक बात होगी? मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी किसी से मुलाकात होती है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है, आपकी हाथों में पकड़ी होती है, आपने फोन आपके हाथ में है, और आपको इन वन विद वन पुश ऑफ बटन नो यू कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू वॉन्ट टू एक्सेस। सो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन सबको मौजूद है, लेकिन वो सब अपनी मजबूरी का इजहार करते हैं। और मैं उनको कहता हूँ, दिखता भी हूँ, कहता भी हूँ कि देयर कम्स अ टाइम व्हेन साइलेंस बिकम्स मोस्ट फॉर्मिडेबल क्राइम। आई थिंक अब वो हम उस फेज में पहुंचे हुए हैं जहां की खामोशी जो है वो सबसे बड़ा जुर्म बन चुकी हुई है। अगर ये मुझे बहुत काम ये बोलेगी नहीं, हम बार बार मैं कहता हूँ, जब भी बोलने की बात करता हूँ तो मैं पीसफुल पीसफुल एहतजाज की बात कर रहा हूँ, इंतहाई पीसफुल एहतजाज की बात करता हूँ, लेकिन ये राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, हम बोलें, हम अपने राइट्स को मांगें,
तो आज हम उस फेज में हैं, मैं रिपीट करता हूँ, जबकि खामोशी जो है, हमारी खामोशी, आवाम की खामोशी, लोगों की खामोशी जो है, वो उनका सबसे बड़ा जुर्म बनेगी, और इसका शाकसाना जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा इन टाइम्स टू कम। इंशाल्लाह सर, गजा की बात होती है, पैलेस्टाइन की बात होती है, तो हम कहते हैं कि जी औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, विमेन राइट्स वालों को कॉल किया जा रहा है कि भाई कहाँ आप, कहाँ वो फेमिनिस्ट, कहाँ खामोश हैं। आप इस वक्त कोई चीज़ खोल लें, आपको फर्स्ट न्यूज़ जो या जो एडवर्टिजमेंट मिलती है वो कि इसराइल के ऊपर जुल्म हो रहा है। मगर ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं, तो अभी आपने वो जो उसमें जिन रैट्स का जिक्र किया, वो बेचारे भी उनमें से बास तो इतने मजबूर हैं कि उन्होंने शील्ड बनाया उनके अगेंस्ट, उनकी बेटियों को, उनकी बीवियों को, या ये जो नंगी वीडियोस का एक रिवाज चल गया है। तो आई डोंट नो क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे। मैं कल जरदारी साहब का भी बयान था, पीपल्स पार्टी, नॉट जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का भी बयान था कि मियाँ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं पाकिस्तान में, और एक शख्स जिसने $50 का स्टाम्प दिया था उसको 16 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर रखा गया। हालांकि जो बेल देने वाला है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर जिसकी उसने बेल दी होती है वो वहाँ मौजूद ना हो तो उसके लिए वो सज़ा हो जाती है। यानी इस कौम को बेवकूफ़ बनाने वाले कोई कम लोग नहीं है। और अब जब बड़े मियाँ साहब यहाँ वहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि पहले वो जलसा करेंगे और उसके बाद फिर वो अपने जाती उम्रा पहुंचेंगे और फिर कोई बाकी, यानी ये सारा कुछ प्लान्ड है। तो लग मतलब तो ऐसे क्या ही रहा वो ये है, समझते हैं कि इस कौम को तालीम भी नहीं दिलवाई, इसको पसमानदा रखने की कोशिश की जाती है, भूख और नंग इनको दिया जा रहा है, तो उन ब्रेन्स को ये अपने लिहाज से फीड करना चाहते हैं। देखिए अरफा, जो बेसिकली जो जो अप्रोच है यहाँ और हमेशा से रही है, वो यही रही है कि जो आपका गरीब है उसको और गरीब किया जाए, और जो अमीर है वो तो ऑब्वियसली और अमीर होते जा रहे हैं। ये बड़ी एक फ्यूडल अप्रोच है, और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, बहुत बहुत जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा मैंने देखा हुआ है। हमारे जानने वाले भी लोग हैं, मतलब जब वन यू ग्रो अप यू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल। ये खासकर पंजाब में जो माइंडसेट पलता है वो ये है कि जी जो आपसे गरीब है उसकी गर्दन के ऊपर पाँव जो है रखें और दबाते जाएं उसको, बेशक वो मर जाए, और जो आपसे ऊंचा है, ताकतवर है, उसके आगे आप दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और अपनी दुम जो है वो हलानी शुरू कर दें। ये पंजाब की फ्यूडल कल्चर जो है ये उसकी कोर है, और आज पंजाब में जो सिंध का भी, पंजाब एंड सिंध की ये आपकी प्रॉब्लम सिंध है। का भी, जो मोस्ट ऑफ सिंध भी यही कल्चर है बेसिकली। तो आवाम में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी बेसिस के ऊपर आप देखिए कि जो बेसिक चीजें हैं वो तालीम होती है, सेहत होती है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, सोशल वेलफेयर होता है। आप देखिए कि अगर आप पर कैपिटा अगर आप कैलकुलेट करें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है स्टेट की, रियासत की, इन चीजों में वो कम होती गई है वक्त के साथ साथ, बड़ी नहीं है। कंसिक्वेंटली मैं कहता हूं कि जिस वक्त इस मुल्क में एक किस्म की स्टंटेड ग्रोथ भी आ चुकी हुई है, कुछ हिस्सों में तो बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, लेकिन वो मतलब इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं है कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली यू नो सब लोग पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हैं और वहां जाके अपना अपना वोट देंगे। लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा, और जो हमने जिस तरीके से इस मुल्क को 76 साल तक चलाया है, अब ये तरीका जो है ये खत्म हो चुका हुआ है, ये अपनी सांसें, आखिरी सांसें भी ले चुका हुआ है। इट्स डेड एंड यू नो यू जस्ट हैव टू बैरी इट बेसिकली। वो जो एक आखिरी राइट्स हैं इसकी वो परफॉर्म करने वाली हैं, और उस आखिरी राइट्स को परफॉर्म करने के खिलाफ जो जहन है इस मुल्क के वो काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सिस्टम के जरिए हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि इस सिस्टम के जरिए हम बरसरे इकतदार रह सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के जरिए हम अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम हराम कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली बहुत डाई हार्ट किस्म की रिलक्टेंस है कि जी इस सिस्टम को वो खत्म करें। सो ये लेकिन ये सिस्टम अपनी आखिरी सांसें मैं कहता हूँ वो ले चुका हुआ है, एक लाश के तौर के ऊपर हमारे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसकी बैरियल राइट्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त आएगा, बहुत जल्दी आएगा, अनकरीब आएगा, जबकि ये सिस्टम जो है रिफॉर्म भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये भी बता दूं, ये सिस्टम जो है इसको आप नए सिरे से आपको नए सिरे से राइट करना पड़ेगा, इसको री राइट करना पड़ेगा।
और उसमें फंडामेंटल चेंजेस जो है वो लानी पड़ेंगी, एक नई सोच के जो है उसको उजागर करनी पड़ेगी, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। आपको जो 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 सबसे पिसी हुई खलकत है यहाँ इस मुल्क में, वो उनको आपको ऊपर लाना पड़ेगा, आपको उनकी उनके जहनों से सोचना होगा, उनके जहनों से आपको काम करना होगा, आपको अपनी अपनी सारी पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करना होगा, निकालना होगा इस अधेर नगरी से, ताकि वो उनके भी उनका जो प्रेजेंट है, जो उनका आज है, वो सहल हो सके और उनका जो मुस्तकबिल है उसमें उम्मीद की किरण जो है वो उजागर हो सके। देखिए एक चीज आप देखिए, पिछले एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुल्क से जो है वो खते गुरबत से नीचे गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग खते गुरबत से नीचे चले गए हैं एडिशनली जो थे उनके साथ, और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो एक्सोडस है ऑफ ब्रेन्स फ्रॉम पाकिस्तान, वो एक अलार्मिंग 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 लिमिट तक पहुंच चुका हुआ है। और मैंने अभी कुछ एक और आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने कहा था कि अभी तक तो हम सिर्फ कशकोल लेके लोगों के पास जाते हैं ना पैसे मांगने के लिए, अनकरीब वो वक्त आने वाला है अगर ये एक्सोडस जारी रहा कि हम एक और कशकोल हमारे हाथ में होगा, एक कशकोल में हम पैसे मांगेंगे, दूसरे कशकोल में हम कहेंगे कि हमें कुछ ऐसे लोग भी दे दीजिए जो कि हमारे मुल्क को चला सकें, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं रहेंगे इस मुल्क में जो इसको चला सकें, जिनमें इतनी केपेबिलिटी एंड कैपेसिटी होगी, वो सब लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपने उनका यहाँ जीना जो है वो हराम कर दिया है, उनके 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 मुस्तकबिल से आपने उम्मीद की आखिरी किरण तक छीन ली है। और कोई बच्चा जो है हमारे घरों का बच्चा, हमारे अपने बच्चे जो है, वो कहते हैं जी बाबा आप क्यों बुलाते हैं हमें वापस, क्या करेंगे हम आगे। बिल्कुल सही सर। तो ये एक मैं एक ऐसा एक आपको सीन इनेक्ट कर रहा हूं आपके लिए जो कि हकीकत पर मबनी है, ये कोई फिक्शन नहीं मैं बोल रहा, ये हकीकत। तो सर आप सही कह रहे हैं, मगर झूठ इतना ज्यादा है। अब इलेक्शन अगर होते भी हैं, और मुझे लगता है कि अव्वल तो इलेक्शन होंगे नहीं, और अगर होंगे ही होंगे तो कोई भी पार्टी को ये इख्तियार नहीं देंगे। दिस इज़ वेरी सैड। आप एक किताब लिख रहे हैं फैज़ अहमद फैज़, मैं आज के दौर को देखती हूँ, अब तो खैर इंतहा हो गई और अब झूठ बोला नहीं जा सकता, अब आप झूठ को छुपा नहीं सकते, और हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उनको डेफिनेटली इस बात का एहसास करना चाहिए कि अगर आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बड़ाई चाहते हैं, तो यकीनन आपको मुल्क में एक्चुअल डेमोक्रेसी लेके आना होगी। मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब का दौर देख रही थी कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत पोइम्स लिखी जिसमें रोमांस का जिक्र हुआ करता होता था, मगर फिर जब उनकी आंखें खुली और हकीकत को देखना शुरू किया तो चाहे वो फ़िलिस्तीन की बात है, चाहे वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, आपने सर कमाल की पोइम्स लिखी, कमाल की पोइम्स लिखी। हिंदुस्तान आज जब उन पोएम्स को, जैसे वो उनकी एक पोएम है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब हिंदुस्तान वालों ने उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया था, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो बस अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। क्या एक्सपेक्टेशन है, अव्वल तो इलेक्शन होते नहीं, अगर होते हैं तो व्हाट डू यू थिंक के पीपल्स पार्टी, आई डोंट थिंक सो दे विल एक्सेप्ट के मियाँ साहब अब एक दफा फिर से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाए, तो क्या मियाँ साहब ने पिछले 2-3 बार से सबक नहीं सीखा, क्या वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को उस तरह मानने के लिए तैयार होंगे, क्या अगर इमरान खान साहब को मौका मिले तो, मेरा ख्याल है उनको पता है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है, उसने तो उनकी बात माननी नहीं है, तो इसीलिए उनको माइनस कर रहे हैं। बस क्विक इस पर आप कंक्लूड कर दें, और मुझे पता है आप किताब भी लिख रहे हैं, अपनी किताब के बारे में भी थोड़ी सी, आई विश कि वो किताब हमारे हाथों में जल्द अज जल्द आ सके। किताब तो मैं लिख चुका हूँ जी, वो अब वो पब्लिकेशन की स्टेज के ऊपर पहुंची हुई है, जहाँ फैज साहब की पोएट्री में आपको बड़ा रोमांस नजर आता है, वहाँ फैज साहब की पोएट्री में आपको रेवोल्यूशन भी नजर आता है। और फैज साहब वो एक पोएट हैं जो कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते, वो उनकी एक मतलब यह कि वो तारीख से तारीख जो रात है, तारीख से तारीख जो वक्त है, तारीख से तारीख जो यू नो एक अहद है, उसमें भी वो उम्मीद की किरण जो है उसको वो निकाल लेते हैं। और जो किताब जो है उसका मैंने टाइटल भी दिया है कि रोमांस एंड रेवोल्यूशन, सो यू नो इट्स ही जो मिक्सचर है वो शायद कोई और शायर जो है वो अपनी पोइट्री में अपनी शायरी में नहीं कर सका जितना कि इन्होंने कहा है। इनकी एक किताब, इनकी एक
पोएम है मुलाकात के नाम से, मार्का दोलारा पोएम है, इट्स वन ऑफ द क्लासिक्स यू नो दैट फैज़ हैज़ रिटन। सो उसमें जब वो पेंट करते हैं कि क्या इस वक्त क्या हाल है, तो उसमें भी वो उम्मीद की किरण जो है उनको नजर आती है, और वो रात की जो स्याही है उसमें कहते हैं मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर पत्ते गिरे हैं और तेरे केसुओं में उलझ के गुलनार हो गए हैं, इसी की शबनम से खामोशी के ये चंद कतरे तेरी जबी पर बरस के पोती पर हो गए हैं। तो ये है उनका बेसिकली, वो इट डजंट गिव इन। और ये जो इस वक्त हमारे जिनको इन्होंने पाबंदे सलासल किया हुआ है और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो टूट जाएंगे, वो चला जाएगा, वो भी उसकी जो अंदर फेथ है, जो उसका यकीन है कि हालात बेहतर होंगे, और जितनी वाइब्रेंस है उनके इस फेथ में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें जो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, मैं भी बयान करने की कोशिश करूं तो मैं नहीं बयान कर सकूंगा। अगर आप उनको मिलें आजकल के हालात में भी आप देखें कि शायद उनका फेथ पहले से ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, उनकी उम्मीद जो है, ऑप्टिमिज्म जो है, वो उससे पहले से ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुका हुआ है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। आपने जो सवाल किया है वो बड़ा एक एक काइंड ऑफ यू नो कंजेक्चर सा है कि क्या करेंगे, लेकिन कंजेक्चर नहीं भी है इन द सेंस कि जी ये तमाम पार्टियां जो हैं ये माजी में इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर चुकी हुई हैं, तक पिछले 35 साल जो है इनका जो स्याह दौर है वो पिछले 35 सालों के ऊपर मुहित है, और इसके ये मुल्क कहाँ था 35-40 साल पहले, और आज 35-40 साल के बाद इन लोगों ने, दो खानदानों ने मिलकर इस मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया है। तो आरिफ हबीबी ये दोबारा भी अगर आएंगे तो ये इन इन इनके हाथ से कोई अच्छा काम होता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अब अगर आप ये खान साहब ये देख लें, अगर आप ये जो नवाज शरीफ जो आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इस वक्त दो उनके स्टेटस हैं, जो मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, जो किसी और ने नहीं दिया, जो वो पाकिस्तान की अपेक्स कोर्ट ने दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, इज ए कॉन्विक्ट, एंड देन टू इज एन एब्सकॉन्डर, वो एक भगौड़े हैं जो कानून से भागे हुए हैं, जो और अब ये जब वापस आएंगे तो ये इनका जो मकाम बनता है वो जेल बनता है जहां से ये भागे थे। लेकिन बात हो रही है प्रोटेक्टिव बेल की, और प्रोटेक्टिव बेल क्यों दी जाती है? प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है इन हालात में कि अगर एक एलेज्ड क्रिमिनल जो है, जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने कोई गलत काम किया है, वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है, तो वो उसका राइट होता है कि उसको प्रोटेक्टिव बेल मिली जाए, ताकि दी जाए, ताकि मेरिट के ऊपर वो भी कि जहां वो है वहां से वो आजादी के साथ ट्रैवल करके अदालत के सामने सरेंडर कर सके। ये प्रोटेक्टिव बेल का लॉजिक है, रीजन है। अब ये अप्लाई ही नहीं करता एक कॉन्विक्ट के ऊपर, एक मुजरिम के ऊपर, ये अप्लाई ही नहीं करता एक एब्सकॉन्डर के ऊपर, उसने तो आके अपनी जेल का टर्म सर। लेकिन इस वक्त जो चीज सामने नजर आ रही है कि वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल भी जाएगी, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक एज अ कॉन्विक्ट, यू नो द प्लानिंग दैट ही कम्स बैक एज अ फ्री मैन, जो कि अपने घर जाएंगे, और वो बल्कि वहां से सीधे वो 21 अक्टूबर को उन्होंने मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा अनाउंस किया हुआ, तो शायद एयरपोर्ट से सीधे वो वहां जलसा अटेंड करें। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के दस्तूर में किस कानून के तहत ये काम होगा। उस कानून के तहत काम होगा कि आपने कहा कि एक शख्स जो कन्विक्टेड है, पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मशवरा लेने के लिए जहाज उड़ा के इंग्लैंड जाता है, उससे मशवरा लेता है, पाकिस्तान की सारी कैबिनेट उन 16 महीने में जब फैसला लेना होती थी फैसला इंग्लैंड में होता था, पाकिस्तान का अम्बेसडर इस वक्त इन इंग्लैंड, वो किस कैपेसिटी में अपने ऑफिस से उस जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसके घर पे जाके डिक्टेशन लेने के लिए गया, तो मतलब दिस इज रिजल्ट्स आर इन। उसको एयरपोर्ट के ऊपर सी ऑफ किया, और उसको वो मैंने उसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया था, दो ट्वीट्स किए थे, वो है फैसल, इज अ शेम सर, आप मैंने आपसे कहा ना कि वो आप इमेजिन करें कि वो उनसे डिक्टेशन लेने उनके घर जाते, क्या करना चाहिए आपको, एयरपोर्ट के ऊपर सी ऑफ करने हुए बैठे हुआ, वो उसकी फुटेज आ गई है, बहुत ये हाल है सर हमारी फॉरेन ऑफिस का, क्या करेंगे आप? बहुत तो, लेकिन कानून मुझे बता दे कोई शख्स खड़ा होके जिसके तहत उसको बेल दी जाएगी, वो कानून बता दे जिसके तहत उसको आजाद किया जाएगा, वो कानून बता दे मुझे, एक शहरी की हैसियत से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे बताएं
कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत एक कॉन्विक्ट एंड एब्सकॉन्डर को 21 तारीख को जलसा एड्रेस करने की इजाजत दी जाएगी। दारी साहब बिल्कुल खामोश हैं, नहीं क्या उनके लोग इजी रेडी कि ये उनके का... लोग बोल रहे हैं, उनके लोग जो हैं वो ब, ब, वो जुबान जो है वो डिफरेंट के ओपिनियन, हाँ जी वो बोल रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन इनको भूल गए क्यों है ये कि जी 15-16 महीने ये उसी हुकूमत के पार्टनर थे, इन्होंने ये सब कुछ करवाया है बैठ के, उसमें हिस्सेदार हैं ये, तो आज ये जुबान क्यों चेंज कर रहे हैं आपने? ठीक है यानी मुजरिमीन के साथ टिके रहे, तो इनके अपने जराइम जो है वो भी कम नहीं है पीपल्स पार्टी के, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। लेकिन इस वक्त जो चीज है, जो फोकस है, वो एक कॉन्विक्ट और एब्सकॉन्डर भगौड़े के ऊपर है कि वो किस तरह पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर वापस आएगा और उसको यहाँ ग्रीट किया जाएगा, और आवाम तो शायद ना उसको ग्रीट करें लेकिन और लोग होंगे उसको ग्रीट करने के लिए, और किस तरीके से किसी कानून, किस कानून के तहत उसको फिर एक जलसा है जो मीनारे पाकिस्तान पे उसको एड्रेस करने की इजाजत। मैं एक, मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया है कि मैं एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से मैं डिमांड करता हूँ कि मुझे वो कानून बताया जाए कि वो कौन सा कानून है। पाकिस्तान के शहरियों में आप पढ़ लिख गए हैं ना, इसीलिए तो पाकिस्तान के शहरियों को तालीम से दूर रखा गया, उनको रोटी कपड़े और मकान में फंसा के रखा गया। जनाब राउत साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, तसल्ली हुई बास चीज़ों को। आई विश कि आप उर्दू में भी लिखना शुरू कर दें, मेरे जैसे नालायक लोग उसको भी पढ़ सकें। ये मेरा आर्टिकल जो है ये हफ्ते को जंग में आता है। अच्छा जी, उर्दू में आता है। अच्छा भेजूंगा अगली दफा आपको मैं भेजूंगा। नहीं मुझे, मैंने, आप यकीन कीजिएगा, मैं तो बल्कि आपके आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मैं उनको हाईलाइट भी करती हूँ, मैं उनको मार्क भी करती हूँ, एंड आई एंजॉय, मैं बहुत कुछ लर्न करती हूँ। वेरी ग्रेशियस ऑफ यू, वेरी ग्रेशियस, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। निसार मैं तेरी गलियों के वतन, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, ओहो खुदाफिज़, मगर मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाजत दीजिए, खुदा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यू आर वॉचिंग ई आवाज़ टीवी, वॉइस ऑफ कम्युनिटी।